नमस्कार दोस्तों, कहा जाता है डरोगे तो डराओगे और डराओगे तो मोहब्बत नहीं कर पाओगे और डरोगे तो मोहब्बत नहीं कर पाओगे, फिर क्या करोगे? नफरत बोलोगे, फिर क्या करोगे? झूठ बोलोगे, फिर क्या करोगे? हमले करोगे और फिर क्या करोगे? सिर्फ बर्बादी लाओ। जी हां, यही होता है। इसीलिए हरियाणा के गांव में गया, वहां पे लोगों ने बीजेपी का मतलब बताया। उन्होंने कहा बीजेपी का मतलब है बर्बाद जनता पार्टी। तो समझिए बर्बाद जनता पार्टी से आप क्या उम्मीद करें, वो तो आपको बर्बाद ही करेगी। तो आज वही हो, देश की वित्त मंत्री अपनी वाहवाही के लिए तमिलनाडु में व्यापारियों को बुलाती हैं और उनसे सार्वजनिक तौर पे चर्चा करती हैं कि देखिए जीएसटी इतना अच्छा है और टैक्स स्लैब्स इतने अच्छे हैं। तो इस पर वहां की एक बहुत प्रसिद्ध अन्नपूर्णा रसोई के जो मालिक हैं श्रीनिवास, वो पूछ देते हैं कि मैडम आप कह रही अच्छे हैं लेकिन असल में जीएसटी का आपने यह स्थिति कर दी है कि कुछ समझ में नहीं आता, कंप्यूटर तक फेल हो जाता है कि किसी चीज पे आपने जिस चीज पे जीरो स्लैब रखा उसी पे ही कहीं लाके 18% कर दिया, नमकीन पे तो 12% हो गया और मिठाई पे 5% हो गया। तो इस तरह से हमारे ही अपनी दुकान में, खाने की दुकान में इतने स्लैब है कि रोटी इतने रुपए टैक्स में और दाल इतने रुपए टैक्स में, तो सांभर इतने में। तो ऐसी स्थिति में हम बताइए कैसे करें, ये बड़ा संकट का विषय। बहरहाल वहां पर मंच से उसी तरह जैसे कहते हैं घमंड में रावण जो है ठहाके ले रहा था, वैसे ही ठहाका लेती रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बहरहाल ठहाका लेके वो भी निकली, वो भी हो गया। इस पर चर्चा चलने लगी कि भाई बात तो सही, कम से कम एक व्यक्ति ने तो बोला, नहीं तो सब तो वही बोल रहे थे। फिर क्या होता, फिर शाम तक यह हालत होती है कि वो श्रीनिवास अपनी फैमिली के साथ उठ उनके कमरे में जाता है मिलने और वहां माफी मांगता है कि हमने आपसे ऐसा सवाल कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, भविष्य में नहीं होगी। और इसका भी वीडियो बनाया जाता है और वो वीडियो पोस्ट किया जाता है कि देखिए अब वो माफी मांग रहा है। तो क्या उसके माफी मांगने से टैक्स स्लैब बदल गए? क्या जो उसने सवाल किए थे वो सवाल खत्म हो गए? और स्थितियां क्या? मैंने इनकम टैक्स और जीएसटी का जो काम करने वाले कुछ विशेषज्ञों से बात की, उन्होंने बताया जीएसटी में 9 स्लैब, वन नेशन वन टैक्स की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, नरेंद्र मोदी ने की थी, लेकिन 9 यदि हो गए हो तो आप सोचिए कि क्या स्थिति कर दी है, कितना कंफ्यूजन कर दिया है। मनमोहन सिंह सरकार एक जीएसटी ला रही थी और इतना सिंप्लीफाई था कि 12% देना पड़ेगा, ना आपको 28%, ना 40%, ना जो है 5%, ना 1%, 2%, जो भी है, या तो माफ होगा या 12% हो। अब आप एक बात बताइए, एग्रीकल्चर पे 0, तो ऐसे में उसका विरोध कर रहे थे, यही भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग विरोध कर रहे थे।
आज इन स्लैब में ऐसा फंसाया कि हर व्यक्ति परेशान है और सीओ को पैसा दे रहा है, अपने टैक्स एडवाइजर को पैसा दे रहा है, एक कर्मचारी पूरे दिन यही मेंटेन करने में रह जाता है कहां पे कितना रुपया टैक्स देना है और क्या करना है और इसको लेके। तो यह एक खर्चा और बढ़ा दिया। चाइना से हमें माल खरीदने के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि उन्हीं के प्रोडक्ट से बने हुए वाले जो कंप्यूटर आते हैं उनको हमें लगाना पड़ रहा है, तो लैपटॉप कंप्यूटर चाइना के भरोसे हमारे चल रहे हैं। तो यह स्थिति। अभी हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री ने नोएडा में सेमीकंडक्टर के फैक्ट्री का जो है उद्घाटन किया। वहां उद्घाटन करते हुए उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि यहां पर आने के बाद में यह स्थिति होगी, 60 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी और न जाने क्या क्या बताया। सेमीकंडक्टर का धंधा आप पूरा समझ लीजिए, सेमीकंडक्टर के धंधे में गौतम अडानी आ चुके हैं, सबसे बड़ा जो काम उन्हीं के पास आ गया है और इसलिए सेमीकंडक्टर नरेंद्र मोदी चिल्ला रहे हैं। और सेमीकंडक्टर में खेल क्या है, सेमीकंडक्टर में भारत में उसमें जो सेमीकंडक्टर बनाने का पूरा काम है उसमें भारत में उसके पूरे सामान जो है कच्चा माल वो नहीं, वो माल आएगा चाइना से और चाइना से आएगा भारत में, एक प्रकार से असेंबल होगा और कहा जाएगा मेड इन इंडिया या मेड इन अडानी और उसके जरिए यानी सिर्फ ट्रेडिंग की जाएगी कोई बड़ा, और रोजगार यहां नहीं मिल रहा। रोजगार की बात जब ये करते हैं तो हंसी आने लगती है क्योंकि 2014 में भी 2 करोड़ रोजगार देने की, नौकरियां देने की बात उन्होंने हर साल की थी, 20 करोड़ मिल चुकी होनी चाहिए थी अब तक, लेकिन मिली 10 करोड़ भी नहीं, 10 लाख भी नहीं, सिर्फ 6 लाख पक्की नौकरियां मिली। अब आप इससे समझिए कि जो ये कहें मान लीजिए झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल यही वजह है शायद हरियाणा में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 35% की दर से बेरोजगारी वहां लगातार बढ़ रही है और पूरे भारत में 7.5% की दर से बढ़ रही है। और एक और राज्य है जहां चुनाव चल रहा है वो जम्मू कश्मीर, वहां पर भी 28% की दर से बेरोजगारी बढ़ रही है। वहां भी वायदा किया था रोजगार का, हरियाणा में तो किया ही था बगैर खर्ची पर्ची के, और सब कुछ हुआ ये, खर्ची भी गई, पर्ची भी गई और नौकरी भी गई। इसीलिए बर्बाद जनता पार्टी कहते हैं कि जनता को बर्बाद कर दे वो वाली पार्टी है। चलिए तो अब मैं डर की ही बात कर लेता, तो ये डर पैदा करके यह स्थिति करते हैं। कभी आपको डराया किसी जात के नाम पे, कभी किसी धर्म के नाम पे, कभी किसी नाम पे, और आपका सब कुछ छीन और दे दिया अडानी अंबानी जैसे। अब यदि हम बात करें कि हिमाचल में इनकी सरकार नहीं आ पाई, इन्होंने डराने की भी कोशिश की, पैसा भी खर्च किए, सारी ताकत लगा ली, गिराने की भी सरकार कोशिश की, खरीद फरोख्त भी हुई लेकिन बात नहीं बनी। तब अब वहां पर धार्मिक नफरत फैलाने का, सांप्रदायिक नफरत फैलाने का काम चल रहा है। हमने देखा शिमला में संजौली की मस्जिद के, उसको लेके बवाल खड़ा किया गया और वहां पर दंगा फसाद कराने की कोशिश की गई। उसके पहले हमें याद है एक प्रेमी प्रेमिका थे, उसमें हत्या हुई थी और उस हत्या के मामले में एक जो परिवार रहते हैं पहाड़ के बिल्कुल ऊंचाई पे, उनके ऊपर किस तरीके से आरोप लगाए गए और न जाने क्या क्या उनका बताया गया और तब दंगा कराने की कोशिश की गई थी, पिछले साल की बात। इसी तरीके से आपको याद होगा इसी साल में जो है
हिमाचल में एक वीडियो सहारनपुर का यहां पर पेश करके कि वो गौ मांस खा रहा है, ये खा रहा है, दंगा कराने की कोशिश की गई। और ये संजौली की मस्जिद में हुआ। बहरहाल वहां के मुसलमान वो समझदार थे, उन्होंने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खोली। उन्होंने कहा मोहब्बत बनी रहे, कोई चीज जाती है तो जाए। उनका जिस मस्जिद के जिस हिस्से को ये लोग अवैध बता रहे हैं, वो अवैध है या नहीं है अलग बात, 14 साल से उसका मुकदमा चल रहा है। वैसे तो अदालत डिसाइड करता, लेकिन उन्होंने अदालत में कह दिया कि आप हमें परमिशन दे दो, हम तोड़ देंगे, खुद तोड़ देंगे, जितना कह रहे हैं, विवाद नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। अब आप सोचिए, ये मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली, लेकिन भाजपा को ऐसे कैसे, ये तो बड़े आसानी से सलट गया, इतने अच्छे से कर लिया, क्योंकि इन्होंने तो बड़ा बवाल किया था, इनके पूर्व मेयर समेत तमाम लोग जो गए थे वहां बवाल करने, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने 4 FIR दर्ज करवा दी, दंगा फसाद करने और सब कुछ करने की। तब अब मंडी में जहां से वही कंगना रनौत जीती है, तो वहां पर एक मस्जिद को लेकर के आज जुमे की नमाज के दौरान वहां पर बवाल कर दे, और बवाल करने वाली पूरी आबादी नहीं होती, एक छोटा सा हिस्सा होता, तो वहां पर इसी तरीके से करने की कोशिश की। वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करने की सभी को छूट है। मैं भी छात्र संघ में था, छात्र नेता था, तब प्रदर्शन करता था, फिर और करता रहा, पार्टी के तौर पे करता रहा, ऐसे ही तमाम सारे लोग हैं, करते रहे, तो प्रदर्शन कोई बुरी चीज नहीं, अपनी मान रखने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन उसमें कानून तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं होना चाहिए, मकसद एक बिल्कुल प्योर होना चाहिए, लेकिन यदि मकसद से विपरीत करेंगे तो एक्शन होगा। तो वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने निर्देश दिया कि यदि कोई कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करे तो एक्शन लीजिए, अन्यथा प्रदर्शन करने दीजिए, हम देखेंगे जो सही है और गलत। वो ज्ञापन में डीसी देखेगा, जो न्याय की प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई होगी, जो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, बिल्कुल यही होना चाहिए। तो वहां तब भी बवाल करने लगे जब डीसी उनकी सुनवाई भी करने को तैयार, तो वाटर कैनन से पानी छोड़ना पड़ा, फिर तकलीफ हो गई। तो ये तकलीफ होती है। राहुल गांधी ने अमेरिका में बोला, सिखों अल्पसंख्यकों के साथ होते अत्याचार पर ही बोला था, आज ये साबित हो रहा है यहां जो हो रहा है कि हां यही हो रहा है, जो राहुल जी ने कहा वो गलत नहीं कहा। तो अब जो है, कुछ जो भारतीय जनता पार्टी के आज की डेट में सिख हैं, वो कथित सिख, कथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो सिख धर्म का नियम भी नहीं जानते, सिख धर्म किस उद्देश्य से बना था वह भी नहीं जानते, वो नहीं जानते कि सिख धर्म क्या कहता, उसकी वाणी को उन्होंने नहीं पढ़ा है, कबीर को वो सबसे ज्यादा फॉलो करता है। बहरहाल वो उस पर बवाल करते हैं, राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देते हैं कि तुम्हारी दादी और पिता के साथ जो हुआ था वही तुम्हारे साथ होगा। बहरहाल कोई बात नहीं, आप यह कह देते हैं। तो प्रताप सिंह बाजवा जो पंजाब से ही आते हैं और पंजाब के बड़े नेता हैं, और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल जी ने जो कहा वो वास्तव में भारतीय सिखों की समस्या है, और भारतीय सिख चाहता था कि उसकी आवाज उठे, उस पर बात हो। तो राहुल जी ने कहा तो बिल्कुल सही कहा, हम सभी इसको इंडोर्स कर, यह सिख धर्म का अपमान नहीं बल्कि उसे न्याय दिलाने का काम, उसे डराने की कोशिश हो रही है, जबकि सिख धर्म मोहब्बत का धर्म, गुरु नानक देव जी से लेके सभी गुरुओं ने प्रेम करना सिखाया,
शायद यही वजह है कि गुरुओं की यदि सेना में आप देखिएगा तो जो सिख धर्म की बात करते हैं उन्हें पता ही नहीं है कि कितने उसमें ब्राह्मण थे, कितने और लोग थे, हिंदू थे। तो गुरु की ही सेना में, गुरु के ही उसमें यदि ये सब कुछ था तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला के ये पूरा खराब करना चाहती। और जब यह खराब करना चाहती है प्रेम को, मोहब्बत को, क्यों? क्योंकि उसे डर लग रहा है कि पंजाब से साफ हो गए हैं, अब हरियाणा से भी साफ हो जाएंगे। हरियाणा में पंजाब से जुड़े हुए हिस्से में सिख कम्युनिटी रहती और वो आज खड़ी हो गई है कांग्रेस के साथ। इसलिए तकलीफ हो रही है, इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि कांग्रेस उनके मुद्दे, उनकी बात को उठा रही है। तो यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि किस तरह से इन्होंने नफरत फैलाने का काम किया है, उन्होंने मोहब्बत से जोड़ने का काम किया है। अब इसको लेकर के यह स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष थे और जो पूर्व मंत्री भी हैं, वो करण कंबोज, वो आकर के अब कांग्रेस ज्वाइन कर ले। और हरियाणा में करीब 33% ओबीसी है। अब 33% ओबीसी का यदि गणित आ गया तो आप समझिए, तो भाजपा इसलिए बौखलाई हुई है तो कैसे तोड़ो फोड़ो ये करो। तो यह स्थिति है, यह अपने आप में इस बात का सबूत। बहरहाल जो मोहब्बत की दुकान है, और उन्होंने भी आके कहा हम मोहब्बत के लिए आए। अब हमें पता है टिकट मिल चुके हैं, हमें तो टिकट मिलना नहीं है, हमें तो होना नहीं है, लेकिन हम इसलिए आए हैं कि ऐसे लोगों को जो बर्बाद कर रहे हैं समाज को, हम उनके साथ नहीं खड़े। तो आज यह स्थिति हो गई, इसीलिए हुई। उधर बेटियों के साथ जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, सारी घटनाएं सबको पता है। आज स्थिति यह है कि वो सेना की प्रशिक्षु अफसर जिसके साथ डबल इंजन की मध्य प्रदेश की सरकार में वहां पर रेप होता है, गैंग रेप होता है, उन रेपिस्ट ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने रेप किया था, तो आज वो लड़की कहती या तो मुझे गोली मार दो नहीं तो इन्हें गोली मार। यानी इस हद तक लोग आज परेशान है, न सेना के लोग सुरक्षित, न बेटियां सुरक्षित, न शिक्षा सुरक्षित, न नौकरियां सुरक्षित। कश्मीर उधर जल रहा है, मणिपुर को जलते हुए 500 दिन पूरे हो चुके हैं, 500 दिन पूरे हो चुके, लेकिन नरेंद्र मोदी को इन 500 दिन में मणिपुर नहीं दिखाई। क्यों? डर लगता है, डरते हैं, और जब डरते हैं तो नफरत फैलाते हैं, हिंसा करते हैं, हिंसा कराते हैं। मोहब्बत करते तो शायद संजौली मस्जिद की तरह से वहां पर जो 14 साल से मुकदमा लड़ रहे थे वही मुस्लिम आए, बोले छोड़िए हम ये करते हैं, यदि हमारे भाइयों को लग रहा है कि ये गलत है हम तोड़ने को तैयार। यह मोहब्बत होती, सीखिए, हर किसी को सीखना चाहिए। जय।